यह है 30 साल के तवील अरसे से जामिया में खिदमत अंजाम देने वाले खलील भाई, जिन्होंने तलबा और जामिया की खिदमत जिस इखलास से की कि मेहमाना ने रसूल की दुआओं और नाज़िम जामिया हज़रत मौलाना बिन्यामीन साहब वस्तानवी की काविशों से खलील भाई को सआदत उम्रा से नवाजा गया। नाज़िम जामिया ने जब ऐलान किया कि आपको बैतुल्ला की ज़ियारत के लिए भेजना है, बस फिर खलील भाई से ज़्यादा खुशी तलबा जामिया के चेहरों पर नज़र आ रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 18 अगस्त बरोज़ जुमा मौसूफ अपने इस मुबारक सफ़र पर रवाना हुए। खलील भाई की इस खुशी में नाज़िम जामिया व तलबा जामिया ने ज़ोरों शोरों से मौसूफ का इस्तकबाल किया, जिसकी चंद खूबसूरत सी झलकियाँ आपके सामने हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर हमने खलील भाई से चंद सवालात पूछे और उनके एहसासात को जाना, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले खलील भाई, आप ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस जी। आपने कुल कितने साल खिदमत अंजाम दी जामिया में? 30 साल से। 30 साल होते आ रही। 30 साल हम। मैं दुआ करना चाहता सबके वास्ते। अच्छा, सब जितने पे आता है बच्चे हैं, तालीम के बच्चे हैं पूरे, उनकी बरकत से मैं यहाँ पे पहुँचा। मक्का मदीना का शरीफ का मैं इधर करने वाला है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, इधर करने वाला है, ये बच्चों की बरकत से करने वाला है। खलील भाई के जो एहसासात है, यकीनन वो अल्फाज में वो खुद बयान करने से कासिर है, जो उनके एहसासात है और जिस खुशी से अभी वो जूझ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात के सामने एक ज़िंदी मिसाल थी। सच्चे दिल से, लगन से अगर अल्लाह और कुरान की खादिम आप बन जाते हैं, तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला इसका सिला जल्द आप तमाम को देता है। तो खलील भाई को दुआओं में याद रखना, नाज़िम जामिया को, जामिया के मुआविनीन को, मुखय्यरीन को, सबको करके रिपोर्ट टीम जामिया अनवा।